ठीक है, तो स्टार्ट कर से विदाउट वेटिंग टाइम। फर्स्ट इज एक्सरसाइज 1.1, कौन कौन से क्वेश्चंस आईएमपी है, मोस्ट लाइकली है, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में 1.1। सेकंड 1.2, 1.2 मीन्स फंक्शन। फंक्शन में 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 दिस क्वेश्चन जो है मोस्ट लाइकली कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। अनदर 1.3 वो भी फंक्शन की है, उसमें इनवर्स फंक्शन है, उसके है 2, 3, 6, 8, 11, 13। आप लोग नोट कर दो, एक बुक में एक पेज में नोट कर दो, उसके बाद आप टिक कर देना, राइट है। तो ये क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन। नाउ बाइनरी ऑपरेशन, क्वेश्चन 1, 2, 4, 6, 8, 11, तो ये क्वेश्चन मोस्ट लाइकली आपको पूछ सकते हैं। आगे जाते हैं सर, मिसलेनियस वन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिसलेनियस में से आते हैं, एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल्स, तो उसको तो खास कर देनी है सबकी सब पूरी की पूरी। बट फिर भी उसमें से भी आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं, चैप्टर वन के है 2, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, ये क्वेश्चंस आईएमपी। देन इलस्ट्रेशंस, कौन कौन से इलस्ट्रेशंस है, तो 3, 5, 15, 17 फंक्शन के, 25, 26, 33, 48 एंड 51। यू कैन सी इस पूरे चैप्टर में ना 51 एग्जाम्पल्स है, तो इतने सारे तो नहीं करने हैं, तो अगर इतने कर दिए तो ऑलमोस्ट उनके चांसेस जो है ज्यादा है पूछने के। तो चैप्टर वन डन, लेट अस मूव टू चैप्टर टू। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, वैसे भी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 2.1 का फर्स्ट इनवर्स ट्रिगो, फर्स्ट 4, 5, 11, 13, ठीक है, बेसिक आपके इनवर्स ट्रिगो के एंगल के ये क्वेश्चंस होंगे। 2.2, 10 का इनवर्स का फॉर्मूला का एडिशन, वो वाले, एंड इसमें एक सॉल्यूशन वाला पार्ट भी है। और कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा आईएमपी है, जो मुझे भी नंबर याद है, उसको मैं टिक भी करूंगा कि ये तो कर ही दो, राइट है। तो 2.2 के क्वेश्चंस है 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 19, राइट है, इतने क्वेश्चंस है। और इसमें मैंने ना एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हैं, जो बहुत बार आ सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है 15 नंबर का, जो है सॉल्यूशन ढूंढना, वो क्वेश्चन आपको मतलब पूछ सकते हैं कि हाँ वो आ सकता है। एंड मिसलेनियस में भी एक ऐसा है मिसलेनियस का 17, तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा आईएमपी है। मिसलेनियस 2 के क्वेश्चन टिक कर ले, वो क्वेश्चंस है 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, इतने क्वेश्चंस है मोस्ट लाइकली। नाउ इलस्ट्रेशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो 3 इलस्ट्रेशन 5, 11, 13, ये आईएमपी है, क्योंकि इसमें एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, चेक करना रहेगा सॉल्यूशन के लिए, राइट है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक में हाफ ही करके दिखाया है। नेक्स्ट चैप्टर 3 मैट्रिसेस, मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है 3 एंड 4 कंपेरेटिवली। तो 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 10 एकदम इजी एक्सरसाइज है, डूएबल। 3.2, 6, 7, 11, 13, 16, 18, 19, 21, ये 3.2 भी इजी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, ऑर्डर वगैरह, तो यू कैन डू इट 3.2। देन 3.3 वेरी सिंपल, छोटी सी एक्सरसाइज, 3, 5, 10, 11, 3, 5, 10, 11 एडजॉइंट वगैरह की इसमें एक्सरसाइज है, सॉरी ट्रांसपोज की। 3.4 राइट है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9, 14, 16, 18, जस्ट टिक इट अप और नोट इट डाउन। एंड मिसलेनियस 3, मिसलेनियस 3 में जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, सॉरी पीएमआई वाले, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले, 1, 3, 12 मोस्ट लाइकली, एंड 9, 10, 11, 15 इज द एमसीक्यू। एंड इलस्ट्रेशन कौन से आईएमपी है पूरी चैप्टर 3 के, 4, 8, 17, 21, 22, 26, 28, तो ये जो इलस्ट्रेशन है वो आपको कर देने हैं, बाकी सारे तो करने हैं बट ये पहले करने हैं, राइट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, 4.1 कोई काम के नहीं है क्योंकि सबको आ रही है, बट फिर भी एक क्वेश्चन उसका मैंने लिया है कि वो पूछ सकते हैं, वो आप कर देना, एक्सपेंशन या कुछ नहीं उसमें। 4.2 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसका 4.2 का या मिसलेनियस 4 का एक क्वेश्चन 3 मार्क में पक्का आएगा, गारंटी है।
ठीक है, फोर मार्कर में भी आ सकता है अगर लॉन्गर हुआ तो। तो इसमें कौन कौन से मोस्ट लाइकली है? 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, इतने क्वेश्चंस कर दिए तो उसमें से ही आ सकता है क्वेश्चन। 4.3 ठीक है, एरिया एंड लाइन वाला सिंपल कोफैक्टर वाला। 3 एंड 5 एंड 4.4 भी बहुत स्मॉलर है, 4 एंड 5, ये टू टू क्वेश्चंस कर दो आ गई। देन 4.5 क्वेश्चन नंबर 4, 9, 14, 15, 17, 18, इतने क्वेश्चंस करना है। 4.6 मोस्ट आईएमपी ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और बहुत बार इसका आता भी है लास्ट फ्यू इयर्स से। इसके कौन कौन से क्वेश्चन है 4.6 के? सारे सेम ही क्वेश्चन है, बट उसमें से क्वेश्चन है 1, 3, 6, 8, 12, 14, 15, ठीक है, इतने आपको करना है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4, मिसलेनियस और इलस्ट्रेशन। तो मिसलेनियस है 4 की, 1, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, ये आपको क्वेश्चंस करने मिसलेनियस के, और इसके आप प्रैक्टिस करके कर देना क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। ये कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, ये 14, 15, 16, ये आईएमपी है, और कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स भी है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, बट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले एग्जाम्पल्स है वो आपको कर देने हैं, राइट है। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स 3, 5, 15, 17, 25, 26, 33, 48, 51, राइट है। तो ये चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल्स आपको करना है, इसमें भी इतने सारे एग्जाम्पल्स है आई वंडर, राइट है। नेक्स्ट 5.1, 5.1 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना, थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती सबको, उसके कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक है और जो करने चाहिए, हियर इज द लिस्ट, एक बार पढ़ देता हूं। 3, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 30, 31, 32, और ये जो बीच वाले क्वेश्चन है इसमें से आपको एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है, के अननोन है, ए फाइंड करो, के फाइंड करो, एक्सेट्रा, और लास्ट टू एफओजी जीएफ वाले वो भी आप लोग कंटिन्यूटी में कर देंगे। देन 5.2, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाली एक्सरसाइज है और स्मॉल अपना नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन, 1, 4, 6, 8, 9, ओनली 10 क्वेश्चन आर देयर, और ये अच्छा वाला, राइट है, आप कर देना। 5.3 चेन रूल बेसिक सा, 5, 6, 9, 11, 13, 15, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। 5.4 अपनी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज, 1, 4, 5, 7, 8, ये आपको या तो सपोजिशन वाली होगी x की जगह tan थीटा वाली एक्सरसाइज होगी। 5.5, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 16, तो ये जो आपको क्वेश्चन है ये मोस्ट लाइकली है कि उसमें से आएगा जो आपका लोग वाला जो एक एक्सरसाइज है, ठीक है, बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होगा साइन x या x या cos x, तो आपको ऊपर नीचे वेरिएबल आए तो लोग लेना है, ये वाले एक्सरसाइज 5.5 या 5.6 है। 5.6 इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 11, 10, ये क्वेश्चन है 5.6 के, आप लोग टिक कर दो या नोट कर दो। नेक्स्ट 5.7 क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 13, 14, 16, 17, डन। नेक्स्ट 5.8 क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 5.8 माने रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, राइट है, और 5.7 जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म वाई बी टी में होगा, एक्स बी टी में होगा, राइट, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, देन रेशियो। अब मिसलेनियस 5 देख लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन आपको राइट करके प्रैक्टिस करनी है, प्रूफ वाले लास्ट कुछ ये वाले 14 से 18। तो क्वेश्चन 1, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, दीज आर आईएमपी क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी, एंड देन 23 एमसीक्यू, डन। इलस्ट्रेशंस 20, 23, 30, 33, 37, 41, 44, 47, कुछ ऊपर के जो एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशंस जो है वो इजी है तो करने की जरूरत नहीं है, ये कर दो काम डन। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है अच्छे है 41, 47, 44, मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स है दे आर वेरी गुड,
दीज आर वेरी गुड, आप कर देना प्रैक्टिस करके आईएमपी है। लास्ट चैप्टर और सर सबसे टफ चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 है, इसमें सर 5 टॉपिक है बड़े बड़े और सभी में ना 25-30 क्वेश्चन दे रखे हैं एंड इसमें 51 एग्जाम्पल्स है, तो सब कुछ मिला के ना 250 क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन से करे। और इसकी 6.5 एंड मिसलेनियस 6 तो पूरी की पूरी करनी है, भले मैंने नंबर आपको थोड़े अलग से करके दिए हैं बट ये आप तो पूरी कर देना, दो दो बार कर देना। 6.1 2, 3, 5, 7, 8 10, 13, 14, 15 इतने क्वेश्चन है 6.1 के। 6.1 इज आपका रेट ऑफ चेंज डिवाइड बाई डीटी वाला चैप्टर। 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 19 राइट है। 6.3 टेंजेंट नॉर्मल 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23 ये थोड़ी सी ट्रिकी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन ना आते हैं क्वेश्चंस में, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर दो। 6.4 में आपका रहेगा अप्रोक्सीमेशन, एक ही फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्वेश्चन वन के, क्वेश्चन वन में ना 15 क्वेश्चन है, उसके है 1, 5, 9, 15 रोमन डिजिट्स क्वेश्चन वन के है एंड देन नीचे क्वेश्चन नंबर इजी है 3, 5, 6 एंड 9 ठीक है, ये आप कर देंगे। 6.5 मैक्सिमम मिनिमम लास्ट टॉपिक, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अलग 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 टाइप के हैं और इसमें और उसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी आएंगे 6.2 और 6.5 में। 6.5 तो पूरा का पूरा सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम ही है उसमें, तो उसके है 3, 5, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25 ठीक है, ये क्वेश्चंस उसके बहुत ज़्यादा करने लायक है जो पूछेंगे एग्जाम में। और ये पीडीएफ भी हो सके तो आपको शेयर कर देंगे, सो यू कैन जस्ट हैव इट। नेक्स्ट इसकी मिसलेनियस लास्ट टू कॉलम्स, मिसलेनियस में 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 यू कैन सी मैंने ना सारे ऑलमोस्ट ले लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये लोग पूछते हैं और इसी में से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड इलस्ट्रेशंस और है मिसलेनियस के 17, 20, 21, 23, 24 ये सभी वर्ड्स प्रॉब्लम है जो आपको आईएमपी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें 27 या 28 क्वेश्चन है बट फिर भी इतने आपको करने हैं। इलस्ट्रेशंस 10, 11, 12, 21, 24, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 51 ये लास्ट के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है, दीज आर वेरी गुड जो आपको करने हैं राइट है। जो टिक कर रहा हूँ वो तो एक्स्ट्रा आईएमपी समझ लो क्योंकि उसमें से ना कॉपी करके पूछते हैं, ये तो पूछने ही वाले ऐसा, तो हो सकता है कि इसमें से 65 to 70% जो पार्ट भी है इसी क्वेश्चंस में से